हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू फंडा आइडीज़। तो गाइस, अगर आप लाइटरूम ऐप चलाते हो तो उसमें आपको बहुत सारे फ़ोटोज़ दिख जाएंगे जिसमें पहले से प्रीसेट लगा होता है, और वो प्रीसेट को हम एक फ़ोटो से दूसरे फ़ोटो पर कैसे डाल सकते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में हम वही सीखने वाले हैं, तो बिना टाइम वेस्ट करें चलिए एडिट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको अपना लाइटरूम ऐप ओपन कर लेना है और अपने फ़ोटो को इंपोर्ट कर लेना है। यहाँ पर साइड में जस्ट इंपोर्ट का बटन है, उस पर आपको इंपोर्ट करके अपने फ़ोटो को लाइटरूम ऐप पर ला लेना है। तो गाइस, मैंने अपने फ़ोटो को पहले ही लाइटरूम ऐप पर ला चुका है, तो सीधा हम अभी ऑल फ़ोटोज़ में चले जाएंगे। ऑल फ़ोटोज़ में जाने के बाद पहले आपको उस फ़ोटो में जाना है जिसका आप प्रीसेट आपको दूसरे फ़ोटो में डालना है। तो सबसे पहले वहाँ उस फ़ोटो पर हम चले जाते हैं, जैसे हमें इसका प्रीसेट दूसरे फ़ोटो पर डालना है। तो गाइस, यहाँ पर आपको थ्री डॉट दिया रहेगा साइड बटन में, शेयर के साइड में, तो आपको वहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कॉपी सेटिंग का ऑप्शन दिया रहेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का सिलेक्ट बटन दिखेगा, पेज दिखेगा। तो यहाँ पर आपको सब जो जो ज़रूरी चीज़ें हैं उस पर आपको राइट क्लिक पहले से दिखेगा, तो आपको यहाँ पर सिंपली से ऊपर कॉर्नर में राइट क्लिक कर देना है। उसके बाद हमें जिस फ़ोटो में प्रीसेट ये प्रीसेट डालना है, अब हम उस फ़ोटो में चले जाते हैं। उस फ़ोटो में जाने के बाद आपको यहाँ पर फिर से थ्री डॉट पे जाना होगा और पेस्ट सेटिंग पे क्लिक करना होगा, जिससे कि आपका जो प्रीसेट है वो इसमें अपलोड हो जाए। जैसे कि गाइस, आप देख सकते हैं जो इस जो प्रीसेट था वो इसमें अपलोड हो चुका है। बिफ़ोर ये है और ये आफ्टर, तो इसमें कितना चेंज आ चुका है। और गाइस, अगर आपको इसमें थोड़े चेंजेस करने हैं तो आप यहाँ पर लाइट इफेक्ट कलर के हिसाब से इसे चेंज कर सकते हैं, और इसमें ऑटो ट्यून भी डाल सकते हैं जिससे कि आपका फ़ोटो का क्वालिटी थोड़ा बढ़ जाए। तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।